फिर अब मैंने मैंने सुना आपने उधर होटल से कुछ चीजें चोरी की थी, बाटी। ये आपको किसने बताया? बस मैंने कहीं सुना यार, ये क्या बात है। हाँ बताएं, वो क्या हुआ क्या यार? तू है ना मल्ले दी फुफी होंगी, ऐसे भी गल होते चक्कर ये था। हम लोग ठहरे हुए थे वसाची होटल में। आपको उधर ठहराया था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो देखो तुम्हें स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। नहीं नहीं, लिखा है WARSHE। चलें छोड़ें, बताएं हुआ क्या था। अच्छा उधर था, हर चीज वसाची की है, जबरदस्त बुटीक होटल है। हमारे फैसल भाइयों ने बड़ा ख्याल रखा हमारा। अच्छा अब चक्कर ये था कि वो जो ग्लास कप शप सारे वसाची के थे, तो हमने क्या एज ए सुवनियर ले जाते हैं। वैसा एक मेरा दोस्त था, मैनेजर भी था, वो कहता हाँ उन्होंने छः ऐसी ग्लास जिस ना नहीं हम, मैं क्या यार तुम्हारी बुबो का जेस इकट्ठा कर रहे हैं। हमने पूरा सेट पूरा किया, तो वो नीचे ना उन्होंने वो लगाई होती थी, वो क्या कहते हैं जहाँ पे चेकिंग होती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया GM ने, और वो हमारे शो पे आया था। मानी कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। वो थोड़ी सी बैग खोलें, बैग खोले तो पैर बिच छः ग्लास पे। कहता सर ये आप ख़रीद सकते हैं, तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं लेके जा सकते। उसने कहा मुझे 250 pounds का एक ग्लास है। तो पहली दफ़े माशाल्लाह ट्राई की और पहली दफ़े फड़े गए, फिर भी मैं एक ग्लास ले आया। अच्छा मैंने सुना आपने बाफ्टा अवार्ड छीना हुआ, कैसे छीना? एक ही दोबारा कर छीना छीना मैं की खोता चला रहे हैं। वो कैसे आपको मिला? बाफ्टा अवार्ड छीना नहीं है, विन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कहीं न्यूज़ नहीं है, मैं मैंने नहीं पढ़ी कहीं। तेनू पढ़ना आंदा होंदा, तू इतने बैठा होंदा, कैसे मिल गया भाई? प्रोग्राम था BBC 2 का, ब्रिटिश अवार्ड होते वो एमी नहीं मिल जाता, एमी किसी को मिल गया। पर देख लो ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिल गया। कैसे मिला बताया? खुद ही तो कहा छीना है, लोगों से छीना है। कैसे? अपनी परफॉर्मेंस पे, एज ए रिसर्चर, एज एन एक्टर, एज ए कमेडियन, माशाल्लाह इंडस्ट्री में 10 साल दिए हैं यार, बड़ी मेहनत की है। और ऐसी मेहनत की हुई अल्लाह पाक का ऐसा करम है माशाल्लाह कि अपने हाथों से टिकटें, हाथों से लीफलेट बेचे हुए हैं। खुदा का नाम है, आओ थिएटर में बैठो, देखो क्या होता है आर्ट, क्या होती है कॉमेडी, क्या होता है। फ्री फ्री लोगों को बुलाया हुआ है ताकि आप लोग देखो आके यार, सिर्फ आर्ट प्रमोट। जिस कल्चर में आर्टिस्ट की कदर नहीं है और जिस कल्चर में आर्ट की कदर नहीं है ना, वो आज कौमें मार खा रही हैं। एंड वी आर वन ऑफ देम। तो आप मुझे भी उधर बुलाएं फ्री में जैसे आप कह रहे हैं। चल ठीक है, मैं बुला लाऊंगा। थैंक यू। अच्छे लगने लगे हल्के से। मैंने सुना जो आपके दोस्त हैं आपको वड्डा गैरत कहते हैं, बात ठीक है? बिल्कुल। क्यों आपको एक वगैरह तो ठीक है कह दिया, वड्डा शायद आपके साइज की वजह से कहते हैं? आई थिंक इसमें वजन का लेने देना, हालांकि बातों में और शक्ल वाइज आप वड्डे लगते हैं। क्यों आपको क्यों कहते हैं वड्डा वगैरह? यार मेरे काम ऐसे है ना, देखो बगैरतों वाले थोड़े को आ गए बगैरता। आपके वो सालगिरह पे भी केक के ऊपर लिखा हुआ था वड्डा वगैरह। यार वाकई कैसी बात है ना, हैप्पी बर्थडे वड्डा वगैरह। हाँ कुछ फिक्का सा जोक हो उसको मीठा कैसे किया जा सके? ये जिस तरह भी आपने वड्डा वगैरह कह के मुझे किया है ना? नहीं नहीं वो तो आप हैं ही ना यार। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जोक फीका या मीठा होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। जोक इज़ जोक एंड हाउ यू इंटरप्रेट उसकी वजह से सारा मामला चेंज हो जाता है, ठीक है ना? और ये जोक इज़ जोक, हर कई लोगों को फीके जोक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपकी फीकी कॉमेडी को इंजॉय करता हूँ, ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसी है तो मुझे बताया कभी आपने स्टेज पर, ठीक है आप कॉमेडी कर रहे हो, जोक्स कर रहे हो, अगर लोग ना हंसना रहे हो तो आपका दिल करता है कि फट जाए? नहीं फट ना जाए लेकिन फाड़ दें। ऐसा अलहमदिल्ला अभी तक हुआ नहीं है, आज ही हो रहा है। अच्छा एक और अफवाह है कि आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गए थे। हाँ विन किया था, 20,000 पीपल अप्लाइड। तो ये झूठी अफवाह क्यों फैलाई हुई? बस फैल गई मेरी तरह खुद ही ऐसी। अच्छा मजे की बात ये है कि मुझे पता है आप चवले मार रहे हैं, लेकिन कपिल शर्मा ने इंडिया में विन किया, मैंने UK में किया, बट बिकॉज आई वॉज पाकिस्तान बॉर्न इन्होंने मुझे इंडिया जाने नहीं दिया उस टाइम। बिट सैड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। उधर पहली बड़ी आबादी है ना, कंट्रोवर्सी बहुत। हाँ हाँ।